भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक शातिर ठग दंपत्ति को जालंधर पंजाब से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है इन लोगों ने पैसा दोगुना करने का लालच देकर कई लोगों से लाखों रुपए लिया और फरार हो गए थे। आरोपी मनीष शर्मा द्वारा कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। आरोपी ने शीघ्र ही इन्वेस्ट की गई राशि को दोगुना तिगुना करने का प्रलोभन दिया और कई लोगों से धोखाधड़ी पूर्वक लगभग 60 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आरोपी दंपति ने बाद में अपने सभी कॉन्टैक्ट और सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर लिए। आरोपी दंपति की सूचना पर थाना क्राइम ब्रांच की टीम जालंधर पंजाब रवाना हुई, जहाँ पर से आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा जालंधर में भी आरोपी द्वारा ठगने की योजना थी। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। अरे वीरेन, किसको जा रहा है? दादा, लोडिंग गाड़ी लेवे की सोच रहा हूँ, कागज पत्तर जमा करवे जा रहा था बस। लोडिंग को का चंबल में तेराएगो? नदियों में काहे तेराएंगे, नदी के किनारे सरपट दौड़ाएंगे प्रोग्रेस वे पे। रोड ही बनेगो ना, कोई जादू तो नहीं हो जाएगो? रोड बनत है ना, रोड के साथ साथ काम धंधों के नए मौके बनत है, फैक्ट्रियों खुलवे के नए रास्ता बनत है, किसानों को फसल बेच बे के लाने नई सुविधाएं मिलत है, स्कूल कॉलेज खुलत है, होटल मार्केट बनत है, इलाके को नक्शा बदल जाते दद्दा। जो तो 400 किलोमीटर को हाईवे है, अब पिछली सरकार ने तो बंद कर दो, मनु शिवराज मामा ने आके जा फिर से प्रोग्रेस बना दो, जो हाईवे हमारे चंबल की भाग्य रेखा बनेगो। चलो भैया, हमें ये लोन दिलवा दो हैं? प्रोग्रेस वे पे हम भी अपना होटल खोल लेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। किस्मत को भी भरोसा है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।